अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल नोट्स किचनट। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं लाई हूँ आपके लिए मैक्रोनी की एक डिफरेंट रेसिपी, जो कि है स्मोकी टिक्का मैक्रोनी। आपने मैक्रोनी की बहुत रेसिपीज ट्राई की होंगी, आप इस रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एक दरमियाने साइज़ का प्याज लेंगे और इसको चॉप कर लेंगे। एक टमाटर लेंगे दरमियाने साइज़ का और इसमें एक सब्ज़ मिर्च डालकर इसकी प्यूरी बना लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट बना लेंगे 1 टेबल स्पून। चिकन बोनलेस लेंगे 250 ग्राम्स और इसके क्यूब्स कर लेंगे। स्पाइसेस में हमें चाहिए सॉल्ट 1 टीस्पून, टिक्का मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून, दादर मिर्च 1 टीस्पून और हल्दी पाउडर 1 टीस्पून। आपके पास जो भी वेजिटेबल्स हों उनकी कटिंग कर लें। गाजर लेंगे 1/2 कप, शिमला मिर्च 1/2 कप, ग्रीन अनियन 1/4 कप और बंद गोभी 1/2 कप। इसको लंबाई में काट लेंगे। अब हम एक कढ़ाई में तकरीबन 1/4 कप ऑयल गरम करेंगे और इसमें प्याज डालकर सौते कर लेंगे। जब प्याज का कलर हल्का ब्राउन हो जाएगा तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और इसको भी हल्का सौते कर लेंगे। अब हम इसमें टमाटो प्यूरी ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह कुक कर लेंगे। जब टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे तो इसमें चिकन ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जब चिकन का कलर थोड़ा चेंज हो जाए तो इसमें तमाम स्पाइसेस ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए कुक कर लेंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर भी ऐड करके अगेन इसको मिक्स कर लेंगे। हमारा चिकन रेडी है। अब हमें चाहिए एक ऑयल का पीस। इसको गर्म कर हम अपने चिकन को 2 से 3 मिनट्स के लिए स्मोक दे देंगे। स्मोक देने से हमारे चिकन में बहुत अच्छा सा बारबेक्यू का फ्लेवर आ जाएगा। अब हम इसमें तमाम वेजिटेबल्स को ऐड करेंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वेजिटेबल्स को सिर्फ 2 से 3 मिनट्स के लिए कुक कर लेंगे। अब हम एक पॉट में नमक और तेल डालकर पानी को बॉईल करेंगे और इसमें मैक्रोनी डालकर सॉफ्ट होने तक कुक कर लेंगे। मैक्रोनी 200 ग्राम्स लेंगे। अब हमें केचप चाहिए 1/4 कप। इसको मिक्सर में ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसमें मैक्रोनीज ऐड कर देंगे और अगेन इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये लीजिए हमारी बहुत मज़े की स्मोकी टिक्का मैक्रोनी तैयार है। इसको डिश आउट करेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपना और अपने घर वालों का बहुत ध्यान रखिएगा। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।